अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। जय श्री राम, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो अपन देखने वाले हैं कि जो पीओके में भी गिलगित बाल्टिस्तान, उसमें न बाल्टी है, न गैस है, न फूड है, न बिजली है। क्या तुम्हारे पास? तो है क्या फिर वहाँ पर? मेरे पास वहाँ पर एक ही चीज है, जज्बा ईमानी। जज्बा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। मैं गाइस इस वीडियो के अंदर बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मसाइले गिलगित के बारे में, जो गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोग हैं उनकी राय लूंगा। गाइस उनकी राय जानने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को कितने राइट्स देती है, कितने सब्सिडीज देती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल उलूम दिल्ला। तो बात करने का सबसे पहले मकसद ये है, बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं आटे का। सबसे पहले आटे का बताइएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आटे पे? दे रही है। कितने का आटा के तोड़ा मिल रहा है? हमें महीने में 3 तोड़ा आटा मिल रहा है। अच्छा, कितने का मिलता है? 1050 रुपए आटा सही मिल रहा, मतलब क्या आटे पर सब्सिडी है? सब्सिडी है, आटे से गवर्नमेंट पर राजी है? राजी है। A few moments later, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ कर रही है, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। कितना दे? एक ही थैला आ रहा है 20 kg का, एक ही थैला। कह रहे 20 किलो को थैला मिल, एक थैला मिल रहा है। पहले 3 थैले मिलते थे, अभी 1 थैला मिल रहा है। कितना मैनेज करना, कितना मुश्किल हो गया? घर को मैनेज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत जीना हराम है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरी मिल जाती है बिजली घरों की? बिल्कुल नहीं मिलती। कितनी आ रही है इस टाइम के अंदर, सर्दियों के दिनों के अंदर बिजली कितनी दे रहे हैं? सर्दियों के सुबह 2 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। 3.5 घंटे बिजली, और बिजली भी यहाँ पे फ्री बनती है, पानी के टरबाइन से बनती है ना बिजली? बिल्कुल, बिजली भी आपके दरिया से, आपके पानी से मिलकर उस। अच्छा, तो आप बिल के बारे में बात कर लेते हैं कि बिल कितना आता है? 2576 रुपए आ गया। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? सिर्फ 3.5 घंटे लाइट देता है दिन में, और 2576 बिजली का बिल। 2576 कितना यूनिट इस्तेमाल किए? पर यूनिट कितने का मिल रहा है साहब? यूनिट का तो पता नहीं, लेकिन कोई समझ लो कि 2-2 घंटे 60, कोई 48 घंटे का मेहनत। ये तो खतरनाक है भाई, 24 घंटे लाइट आती है तब भी इतना बिल नहीं आता। ये तो सरासर मतलब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये दुख काय खत्म नहीं होता पाकिस्तान में। पुलिस पता लगा रही। मुझे हमदर्दी नहीं है, मुझे तो मजा आता है ये सब देखकर। ये बात है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म। तो एक बात थी कि हमने इंडिया से आजादी ली थी। क्या बोला तुम? ओ भाई, करेक्ट योर वर्ड्स। आजादी और कब्जे में फर्क होता है, समझ में आया? आजादी कैसे लोगे? कौन सा इंडिया तुम पर जुल्म कर रहा था? राजा हरि सिंह ने साइन करने में देरी की, जब साइन किए जब उसकी फटी। थोड़े टाइम रहते कर जाता ना तो पूरा पीओके इंडिया में ही होता। अच्छा, और एट द एंड राजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय पर साइन कर दिए थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। तुम पाकिस्तानियों को ऐसे ये देखा नहीं गया, इनके गुर्दे में आग लग गई, साला चलता है, और तुमने कब्जा कर लिया। तो कब्जे और आजादी में फर्क होता है। ऐसे बोल रहे जैसे इनको अलग करके तुमने चांद पे पहुंचा दिया हो। भूखे मर रहे हैं, प्राउडली आजादी, खुद आजादी हासिल की थी, बिल्कुल इसलिए ली थी कि ताकि हम तरक्की कर सके। पाकिस्तान के साथ मैच, हमने पाकिस्तान के साथ जम इसलिए हुए ताकि हम तरक्की याफ्ता बन सके। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ ऐसे, कोई ऐसे कारनामत काम किए हो जिसकी वजह से आप कहें कि बहुत खुश हैं हम? नहीं, 2018 से हम खुश थे पहले। अच्छा, इसके बाद हमें तकलीफ ज्यादा है। 2018 से पहले मतलब गुजारा था, अच्छा था, आटा निज़ाम अच्छा था, सब कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल रही थी। जब से 2018 के बाद कभी आटा महंगा, कभी दाल महंगी, कभी जी चीनी महंगा, कभी डाल, सब कुछ महंगा है। अरे देवा, हर रात को हमें पता चलता है, सुबह जब मार्केट में आते हैं तो घी अगर 300 है तो मार्केट में सुबह आते हैं तो 400 रुपए, दूसरे दिन 500 रुपए। यही तो कयामत है, यही तो कारनामे है शहबाज शरीफ के, और यही तो तरक्की है। इस टाइम टोटल 4 कश्मीर है, एक गिलगित बल्तिस्तान, दूसरा जो हमने गिफ्ट किया चाइना को, वो आजाद कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है। अब इन तीनों में से आपसे मैं सवाल करूंगा कि कौन से कश्मीरी लोग, कौन से कश्मीर के लोग ज्यादा खुश हैं? पता है ना आप सबको? यार ये तो गिलगित वालों, हमें तो पता नहीं चलता है क्योंकि बॉर्डर एरिया है।
ये पाकिस्तानियों का दिमाग पता नहीं कहाँ होता है यार। ये पीओके वाले चाचा का भी पता नहीं कहाँ है। मगर क्यों? नहीं मतलब जब कोई इनको बता देता है उड़ती उड़ती खबर कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं, उस बात को मान लेते हैं, लेकिन ये इंडिया में कोई अच्छी चीज बोलो ना तो बोलते हमें नहीं पता क्योंकि बॉर्डर है बीच में। ये सब दुगलापन। तो बॉर्डर कोई चाइना की दीवार है क्या जो उस पार का दिखता नहीं है? ये मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गूगल, पुगल, ये क्या अपना जॉब छोड़ दे? मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अब देख लो पीओके वालों ने क्या हासिल किया है, अलग होकर जहालत हासिल की है, जहालत। सही बात है। गाइस यहाँ के लोगों को अभी इस चीजों के बारे में नहीं पता, पता नहीं है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर पूरे दो रुपए लगा ले चले तकरीबन 300 यूनिट फ्री है कश्मीरियों के लिए। कोई फ्री नहीं। अरे बेटे उधर फ्री है और यहाँ पर आपको पता कितने का यूनिट? 35 रुपए का यूनिट मिल रहा और वहाँ पर 2 रुपए का यूनिट है। ये हमारे साथ जाती है। हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं गिलगित में? एक एयरपोर्ट है। और अगर मैं बात करूँ कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल नहीं है। और हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कितनी है? एक है। एक है। पूरे पाकिस्तान में एक भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं होगी क्योंकि जहालत लेने कौन आता होगा यार। गजब बेइज्जती है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के एजुकेशन को नील बटे सन्नाटा माना जाता है, खासकर हमारे इंडिया में। पाकिस्तान की डिग्री इक्वलिटी अनपढ़ निराक्षर काला अक्षर भैंस बराबर इक्वल टू फिजा खलीफा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज है। अगर मैं बात करूँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के लिहाज से, पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए कि इस इलाके को डेवलप करें? बिल्कुल करना चाहिए। तो बिल्कुल इसके बारे में क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से? यार हम तो हर वक्त यहाँ धरने भी दे रहे हैं जी, हमें आटे भी दे दे और हमारे साथ गिलगित में तरक्की हैसियत जो है, दरिया में डैम, अभी डैम बन रहा है, 5-10 साल से लगा हुआ है, कोई डैम नहीं बन रहा है, पैसे खा रहे हैं जी दबा के। इधर डैम बन रहा है फिर कहते हैं ऊपर डैम बन रहा है। चूतिया बनाया तुमको, 10 करोड़ यहाँ खाया, फिर इस साइड में कर रहे नहीं, ये वाले साइड ठीक है, इससे 10 करोड़ खाया, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि हमने इंडिया से आजादी ली थी, ये गिलगित बल्तिस्तान ने खुद आजादी ली है इंडिया से। आप इसे बोल रहा है खुद आजादी ली है। अब कहे की आजादी कितनी बार बताऊं, पीठ में छुरा घोपा था तुमने इंडिया के, लेकिन नहीं याद रहेगा। और एक दिन रुको, सबर करो, इंडिया का ही बनेगा ये तो होगा। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। वाह मोदी जी वाह। लेकिन उसको नहीं मानते हम, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, खत्म, गुड बाय, गया। ये पाकिस्तान में खौफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना पाकिस्तान में कूट कूट के, इसलिए ये पाकिस्तान के साथ है। ये बात है। थोड़े रुको चचा, शहबाज शरीफ ऐसे ही अपने झंडे गाड़ते रहे ना तो एक दिन आप बोलोगे हर हर मोदी, जय हिंद जय भारत। आई समझ में? समझ गया। थोड़ा सबर करो बस, बात चचा लगे रहो अपना परचम लहराने में। ये जो तुम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हो ना, मैं चाहती हूँ इसको 4G की स्पीड से ले जाओ, क्या 5G 6G बहुत स्पीड से ऐसे बिल्कुल लैंड करा दो। कितने शानदार विचार रखते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोगों का नारा लगना चाहिए हर हर मोदी घर घर मोदी, पूरे पाकिस्तान में मोदी जी होनी चाहिए। हम करते हैं प्रबंध। आई लव यू मोदी जी। मोदी जी आई लव यू। पाकिस्तान में टेररिज्म है कूट कूट के, इसलिए यहाँ पर पर्यटक नहीं आते, वरना तो गिलगित बल्तिस्तान खुद ही इनकम का सोर्स है यार, इतने लोग उमड़ उमड़ के आए घूमने के लिए। लेकिन पहली बात तो ये मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, ठीक कहाँ से करेंगे? बात सही है। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर जो करना चाहो कर दो यार, क्योंकि आपको तो फुल आजादी है ना। ठीक है, तो बस आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स।